लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां ये सोचने लगी कि इतनी बड़ी जीत भाजपा की कैसे हुई और हमारी इतनी बुरी हार क्यों हुई। उसके तुरंत बाद ही मध्य प्रदेश में 20 लाख ईवीएम गायब होने का मामला अब गर्माता जा रहा है। पूरे देश के अंदर ये अब ईवीएम बहुत तेजी से नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर में इस संबंध का एक जनहित याचिका दाखिल कर दी गई थी, जिस पर आज अदालत में सुनवाई हुई। साथ ही उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल जनहित याचिका में कहा गया है कि ईवीएम मशीन गायब होने के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ फौजदारी मतलब आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए, साथ ही ईवीएम की पूरी राशि वसूली जाए और पूरे प्रकरण की जाँच सीबीआई से कराई जाए। इस संबंध में 22 मई को उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ में एक जनहित याचिका सीनियर एडवोकेट उमेश बोहरे ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ जनहित याचिका पेश की। उमेश बोहरे ने इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त के समय 14 लोगों को आरोपी बनाया है। इसके साथ ही चुनाव अधिकारी, कलेक्टर ग्वालियर, कलेक्टर मुरैना, कलेक्टर भिंड, कलेक्टर गुना को भी आरोपी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि गायब हुई ईवीएमों का इस्तेमाल देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही ग्वालियर में चंबल संभाग में लोकसभा चुनाव में किया गया है। अब इस मामले में अदालत कभी भी अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि मुंबई की आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने 27 मार्च को 2018 को बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने ईवीएम की खरीद, स्टोरेज और डिलीवरी में शामिल प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी भी मांगी थी। विपक्ष की पार्टियां ही नहीं, अब जनता भी उतरती जा रही है धरने प्रदर्शनों के ऊपर ईवीएम को लेके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।